हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले इंसिडियस द रेड डोर की ओटीटी के बारे में, साथ में मिशन इम्पोसिबल 7 की भी ओटीटी की रिलीज बात करने वाले, साथ में चलिए इसकी डिजिटली रिलीज की भी बात करने वाले। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट फॉर मी। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसिडियस द रेड डोर की ओटीटी के बारे में। तो करंट रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है आपको अक्टूबर मंथ तक आपको इसका डिजिटली रिलीज होगा, यानी कि वीओडी प्रीमियर देखने को मिलेगा। तो आपको ये प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको अमेजन प्राइम का नाम देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पास्ट में जितने भी इसके पार्ट देखने को मिले हैं वीओडी प्रीमियर उधर ही आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी ओटीटी रिलीज की बात करें तो आपको नवंबर के 20 तारीख तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है इसका ओटीटी रिलीज के बारे में। जैसे करंट रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स के सामने नाम निकल के आ रहे हैं, लेकिन आपको पास्ट में जितने भी इसके मूवी है आपको सोनी लिप के एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाता है उधर आपको। बट यहाँ पे अभी करंट रिपोर्ट के अनुसार नेटफ्लिक्स का नाम सामने आ रहा है, तो आगे क्या चेंजेस होंगे कुछ भी होगा तो आपको मैं बता दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को। अब बात कर लेते हैं मिशन इम्पोसिबल 7 की ओटीटी रिलीज के बारे में और इसका डिजिटली रिलीज कब तक देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डिजिटली रिलीज की बात करें तो आपको पास्ट में जितने इसके मूवी है आपको अमेजन प्राइम पे देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से आपको उधर देखने को मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि अगस्त के एंड तक आपको ये डिजिटली रिलीज आपको देखने को मिल जाएगा। अब ओटीटी रिलीज की बात करें तो आपको बताया जा रहा है करंट रिपोर्ट के अनुसार सितंबर के लास्ट तक यह आपको देखने को शायद मिल जाएगा ओटीटी रिलीज। अभी एक्सपेक्टेड है, उम्मीद कर सकते हैं आप, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अगर आगे भी कोई चेंजेस आएंगे तो आपको मैं बता दूंगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट फॉर मी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।